योगी, अमित शाह और एक मोदी। फ्री राशन दिया तो उसमें हमारा रोजगार भी तो छीन लिया, इससे अच्छा तो हम रोजगार से खा रहे थे, अब तो जो वो दे रहे हैं वही उबला हुआ। लाल टोपी वाले गुंडे होते हैं। लाल देह लाल से हर धन लाल लगूर और ब्रज देह दानो दलन जय 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 कपूर बोलो कौन पुत्र हनुमान की जय। जीत के लाता है लाल रंग और जिसका खून लाल ना हुआ सफेद हो गया तो उसको कहते हैं मोदी और योगी। नहीं भी हर व्यवस्था का परपेंट किया है सिर्फ और अपना नाम लिखा है। जिनकी हिंदू की लड़की मुसलमान के इलाके में बैठी वो मुसलमान उस घर में पानी नहीं पीता था क्योंकि हमारे गांव की लड़की हमारे घर की लड़की इस गांव में। मैं चैलेंज करता हूँ कि इन्होंने लाल को ललकारा है, मुलायम के लाल को ललकारा है, लाल रंग को ललकारा है, जनता इनको लाल लाल कर देगी। नमस्कार, मैं ज्योति चौहान, इस वक्त लखनऊ में हम मौजूद हैं। पूरे यूपी का भ्रमण करते करते अब लखनऊ पहुंच चुके हैं और पूर्वांचल की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल लखनऊ का मूड और मिजाज क्या है क्योंकि लखनऊ तय करने वाली है पूरा उत्तर प्रदेश कि उत्तर प्रदेश में आखिरकार क्या होने वाला है। तमाम जनता हमारे साथ लखनऊ के हैं, उनसे बातचीत करेंगे। चुनाव आने वाला है, कुछ सोचा है दिमाग में, कुछ बैठाया है, क्या करने वाले हैं? करने वाले ये है कि साइकिल को देंगे वोट और क्या है। अच्छा, योगी जी 5 साल हो गए, अच्छे नहीं लगे क्या? योगी जी क्या अच्छे लगेंगे, योगी जी ने किया क्या है, विकास किया है क्या है? अच्छा, विकास तो कुछ उन्होंने किया ही नहीं, ना कुछ कहा ना कुछ सुना, वो सिर्फ खाली जनता का खून चूसने के लिए हमारे मुख्यमंत्री एक ऐसा देश में आया है ये प्रदेश के अंदर कि ये सिवाय नाम बदलने के और खून चूसने के अलावा दूसरा काम नहीं किया। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा क्यों लगता है? अभी कोरोना में आप कोरोना काल में देख लीजिए क्या हुआ, अभी अगला जो चुनाव हुआ था जिला पंचायत वाला उसमें क्या हुआ था, उसमें लड़की औरतों की साड़ियाँ खींची गई और परेशान किया गया और हम कहाँ अच्छे पोजीशन पे चल रहे थे, हमारा कारोबार बढ़िया चल रहा था, हम सब कुछ चल रहे थे, आज हमारे पास ये नहीं बचा कि 2 वक्त की रोटी हम खा सकें सुकून से, इतनी परेशानी। वो तो कहते हैं कि भैया फ्री राशन दिया है कोरोना काल में, सब कुछ दिया है। कहाँ दिया फ्री राशन? हाँ। जो फ्री राशन दिया तो उसमें हमारा रोजगार भी तो छीन लिया, इससे अच्छा तो हम रोजगार से खा रहे थे, अब तो जो वो दे रहे हैं वही उबला हुआ खा रहे हैं। इससे पहले तो हम खाते थे घी तेल में तर करके, अब तो हमारे पास वो भी नहीं बचा है। तेल चाहे डालने वाला हो चाहे पकाने वाला हो, तेल दोनों महंगे हैं, चाहे पेट्रोल ले लीजिए और चाहे खाने का ले लीजिए, दोनों तेल महंगे। अगर सब्जी बघारने के लिए आपको तेल चाहिए तो 50 रुपये का लगेगा। घर में भी अभी भी हम लोगों में आपस में झगड़ा हो रहा है, हम यहाँ कमा के नहीं ला रहे हैं, बाहर काम नहीं लग रहा तो कहाँ से लाएंगे कमा के। क्या बताइए, क्या लगता है माहौल उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है? योगी जी कह रहे हैं कि 350 पार। अभी आपने देखा आम जनता का क्या मूड है, उससे आपने टटोल लिया, एक भी काम धरातल पर नहीं आया, चाहे योगी सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो। GST लाए वो गलत काम, नोटबंदी लाए वो गलत हुआ, अब आप देखिए किसान बिल लाए वो गलत हुआ। हम कह रहे हैं कि अगर व्यापारी एक बिल आ रहा है उससे व्यापारियों को जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनको भी पर्चे काटने पड़ेंगे। मैं आह्वान करता हूं व्यापारियों से, जो भी बिल ये पास करा रहे हैं उसका विरोध करिए, नहीं देश को गर्द में डाल देंगे। चुनाव के वक्त आपके अभी तो तमाम मुद्दे गिना रहे हैं कि भैया बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, ये जो रोजगार है उसको लेकर जो है आपने कहा कि भैया विरोध कीजिए। चुनाव के वक्त मुद्दा क्यों बदल जाता है? कभी भैया राम मंदिर का मुद्दा आता है, कभी कुछ और मुद्दे आ जाते हैं। देखिए ऐसा है, वोट भी डालने लग जाते हैं। उनका काम केवल जनता को भ्रमित करना है कि धर्म के नाम पर लड़ाए जाओ, जैसे अंग्रेजों का काम होता था कि धर्म के नाम पर लड़ा दिया और राज कर लिया, शासन कर लिया, वही काम ये कर रहे हैं। इन्होंने क्या दिया कोरोना काल में? कह रहे हैं कि मैंने राशन बांट दिया। कभी भी आपदा आती है, कोई भी सरकार हो, इससे गिरी से गिरी सरकार रही है, उसने जनता को फ्री में अनाज, फ्री में दवाई, फ्री में इलाज कराने का काम किया। इन्होंने कोई नया काम नहीं किया है, आपदाएं हमेशा आती रहती, मगर इन्होंने आपदा में अवसर ढूंढा है, इन्होंने आपदा में अवसर ढूंढा। आप देख लीजिए कि कितना किसान मर गया इनके आंसू नहीं निकले, कितना जवान मर गया इनके आंसू नहीं निकले, कानून वापसी ले लीजिए, शिक्षक कितने मारे गए इनके आंसू नहीं निकले। 5 साल पहले कहा गया था कि डबल इंजन की सरकार लाइए, डबल रफ्तार पाइए, डबल रफ्तार जनता से दूर भागने की है, जनता के दिल को जीतने की नहीं है। डबल रफ्तार ये है कि मेरा रोजगार छीन लिया, मेरा काम छीन लिया, मेरी आगे की दवाई छीन ली, पैरासिटामोल नहीं मिल रही है। कोरोना काल में जो लोग दवाइयां नहीं मिल पाई, लोगों को बंद कर दिया अंदर, भय कितना व्याप्त कराया,
तो ये सरकार डबल इंजन की है, ये जनता को दिल को जीत नहीं रही है। ये आपको आपको समाजवादी पार्टी पसंद है, अखिलेश यादव पसंद है, वो कहते हैं भाई अखिलेश यादव को लेकर लाल टोपिया और हरी टोपी की लेकर बातचीत कर देगा, लाल टोपी वाले गुंडे होते हैं, क्या कहना चाहिए? लाल देह लाल ही रसे हर धर लाल लगूर और ब्रज देह दानो दलन जय 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 कपूर बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। इन्होंने समाज के हर अंग को जिस गिरी निगाह से देखा, ये लाल झंडा जो है प्रतीक है लड़ाई का, ये जीत के लाता है लाल रंग, और जिस जिसका खून लाल ना हुआ सफेद हो गया तो उसको कहते हैं मोदी और योगी। अच्छा। इनका खून सफेद हो गया है, यहाँ लाल रंग दौड़ता है और ललकार दौड़ती है, सेना का लाल लाल दिखाता है, तभी कश्मीर और पाकिस्तान हमसे घबराता है। जो कश्मीर विवादित है अगर वो लाल रंग ना हुआ तो हमारा देश फिर से गुलाम हो जाएगा। इसलिए मैं चैलेंज करता हूं कि इन्होंने लाल को ललकारा है, मुलायम के लाल को ललकारा है, लाल रंग को ललकारा है, जनता इनको लाल लाल कर देगी, भी लाल हो जाएगी। ये बताइए कि जिस तरीके से लाल टोपी से आ रहेंगे, अभी हरी टोपी से आ रहे हैं, अब लाल टोपी से आ रहेंगे। अच्छा। हरी टोपी किसान अभी उनसे हार चुके हैं ये, अब लाल टोपी इनको उत्तर प्रदेश में हराने जा रही है। ये किसानों का मुद्दा जिस तरीके से उन्होंने अचानक से चुनाव से पहले जो है वो वापस ले लिया, जो कानून थे जिसको लेकर आंदोलन चल रहा था, तो क्या चुनाव में अब की बार फिर से किसानी का मुद्दा प्रभावित होगा? प्रभावित होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो जो 700 किसान शहीद हो गए वो हमारे देश के थे, बाहर के नहीं आए थे। 750 जो लोग शहीद हुए हैं वो हमारे अपने थे, लेकिन ये अगर बात ये पहले दिन वही मान जाते तो ये हमारे 700 जो जवान शहीद हुए थे किसान ये ना होते। ठीक है भैया, आप बताइए क्या लग रहा है, काहे का उत्तर प्रदेश का माहौल क्या, कैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का माहौल? योगी जी आ रहे नहीं आ रहे? योगी जी तो कहीं नहीं दिख रहे हमें, दिख नहीं रहे ना, योगी जी तो दिख ही नहीं रहे। अच्छा, क्यों नहीं दिख रहे हैं भैया? इतने 5 साल में आप लोगों ने इतने बहुमत से सरकार बनाई थी जी, अब पता फिलहाल मैं तो यही जानता हूँ, बहुमत से मैंने तो नहीं बनाई, ना मैंने वोट दिया योगी जी को। महिलाएं भी है कुछ कह रही थी, क्या कहना चाहेंगी? पूर्ण बहुमत की सरकार पिछली बार बनाई सभी लोगों ने मिलकर, ये अच्छे दिन आ गए हैं मोदी जी के, और क्या है, शिक्षा का स्तर उन्होंने इतना नीचे गिरा दिया है, महंगाई इतनी कमर कस गई है कि पेट्रोल और खाने वाले तेल के लाले पड़ गए हैं। महिलाएं क्या कहना चाहेंगी? ऐसी सरकार नहीं चाहिए हमको। अच्छा, उत्तर प्रदेश में और तमाम पार्टियां हैं, बीएसपी है, कांग्रेस है, तमाम पार्टियां हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको लेके? वो भी मैदान में उतर रही हैं, कह रहे हैं भैया 40% हमने भी जो है वो टिकट दिया महिलाओं को, प्रियंका गांधी कह रही हैं, मायावती जो है वो भी लगातार जो है महिलाओं को लेकर आगे बढ़, क्या हमको समाजवादी पार्टी चाहिए? समाजवादी पार्टी जी, सही लग रही है जी, सही जी, हम उसमें सुरक्षा काम अच्छा था, पिछला काम अच्छा लगा, सभी काम अच्छे थे, सभी काम अच्छे थे, पेंशन मिली, 108 एम्बुलेंस मिली, सब कुछ मिला, आगरा एक्सप्रेस वे मिला, बच्चों को शिक्षा मिली, शिक्षा मिली। इस पूरे मोहल्ले में मैं सब बात बताए, क्या है कि आज जनता क्या है भय में जी रही है, आप जान रहे हैं क्या भाई, अगर हम कहीं पर भी किसी भी फील्ड में जाते हैं, इफ क्या हमारी हमारी अगर जो है कोई भी प्रॉब्लम है, हम पुलिस के पास जा रहे हैं क्या, वहाँ में समझा के भेज दिया जाता है, समझा के भेज दिया जाता है क्या, आप जाइए क्या उनके पास, एक ये मुद्दा नहीं क्या वो हमारी किसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे सकें, इतना उनके पास नहीं कि वो हमारी प्रॉब्लम को जो है किसी तरह से वो करें, आप बताइए। आप युवा हैं, युवा क्या सोच रहे हैं अपनी बात? देखिए सबसे पहले तो जो इलेक्शन के मुद्दे हैं हमारे हर बार होते हैं, वो मुद्दे जो बीजेपी लेके चलती है वो मुद्दे ही नहीं है एक्चुअली, इनका मुद्दा सिर्फ हिंदू मुस्लिम को भड़काना और यही सब करना है बेसिकली, CNRC जैसे काले कानून और ये सब दुनिया भर के जो हैं, हम लोग हिंदू मुस्लिम जानते ही नहीं थे बचपन में, जब यहाँ रहते थे, यहाँ करीब 22 साल से रह रहे हैं, बचपन में हमें हिंदू मुस्लिम पता ही नहीं था, हम उनके घर जाते थे वो हमारे घर आते थे, लेकिन अब जो हिंदू मुस्लिम में जो चल रहा है माहौल देश भर में चल रहा है, बीजेपी द्वारा संचालित है पूरा मामला, तो ये बहुत गलत है। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से तमाम लोग बोले कि भाई गलत है इस मामलों पर जो है हम वोट नहीं देंगे, शिक्षा का मुद्दा होगा, स्वास्थ्य का मुद्दा होगा, चुनाव से 2 महीने पहले सभी लोग बदल जाते हैं, कहते हैं भैया उसी मुद्दे पर डालेंगे वो। अब देखिए मसला यही है कि सबको तो नहीं समझाया जा सकता ना, कुछ लोगों को ये चीज़ पसंद होती है, कुछ लोग यही चाहते ही हैं, उनको स्वास्थ्य से लेना देना नहीं। अब जैसे दिल्ली का मॉडल देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल सर जो हैं उन्होंने पूरा दिल्ली ट्रांसफॉर्म करके रख दिया है, अब यहाँ युवा बेरोज़गार हैं, किसी के पास नौकरियाँ नहीं हैं, अब हमारी जो अखिलेश की सरकार थी उन्होंने हमारे लखनऊ को कितना डेवलप किया, चाहे आप हुसैनाबाद चले जाएँ, इकान पूरा मोहल्ला जो है अखिलेश यादव के फेवर में। देखिए हमारी तरफ से तो लगभग सभी लोग रहते हैं,
क्योंकि जो हमको चाहिए था उन्होंने हमारे उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव के साथ उत्तर प्रदेश अखिलेश मांग रहा है। अब की बार अखिलेश सरकार, अब की बार सपा सरकार जी, मोदी सरकार ने योगी सरकार ने कुछ नहीं दिया, हाथ में कटोरा दे दिया है, कोरोना काल फैला के पेंट किया है, झूठे वादे किए, मक्कारी की है, गद्दारी की है देश के साथ। ऐसी सरकार नहीं चाहिए हम लोगों को। हर व्यवस्था के पर पेंट किया है सिर्फ और अपना नाम लिखाया है। आप भी बताइए क्या सोच रहे हैं। इन्होंने नारा दिया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज बेटी नहीं सेफ है, कहाँ से सेफ है, डाकुओं से बिल्कुल नहीं सेफ है। क्या बताइए क्या लग रहा है माहौल, क्या देख रहे हो? माहौल ये है, देखिए बेरोजगारी और महंगाई पे लगाम लगनी चाहिए, वो सरकार नहीं लगा पाई, गरीबों को बिल्कुल बेकार कर दिया। तो इससे तो ऐसी सरकार आनी चाहिए जो समाज का हित कर सके, गरीबों को आगे बढ़ा सके। वो तो जगह जगह होर्डिंग लगा रहे कि 4.5 लाख नौकरी, तो वो तो ऐसा है, वो तो अमित शाह जी कहते जुमलेबाजी होती है, वो तो ये सब होता है रहता है। गंगा जमुना तहजीब बर्बाद कर दी, जो आज से कुछ साल पहले सब गंगा तहजीब थी वो ख़त्म हो गई, वो ख़त्म हो गई। आज सिर्फ जो है नौजवानों के लिए नुकसान है, उनको जेल में डालो, उनके ऊपर जो है वास्को लगाओ, उनको अंदर डालो, देखिए जाके जेल में 20 लाख आदमी कम से कम बंद है नौजवान, और ज़्यादातर उसके अंदर आपको मोहन मिलेंगे। पहले तो हमारे यहाँ का ये माहौल था कि हर आदमी हिंदू मुसलमान किया जाता था, मुसलमान हिंदू के इलाके में पानी नहीं पीता, जिनकी लड़की भी आई थी और जिनकी हिंदू की लड़की मुसलमान के इलाके में बैठी वो मुसलमान उस घर में पानी नहीं पीता था, क्योंकि हमारे गांव की लड़की हमारे घर की लड़की इस गांव में है, ये माहौल था। आपने खुद भी योगी जी के भाषण सुने हैं और सुने हुए और बिल्कुल समझ भी रहे हैं कि वो कहते मैंने 4.5 लाख आदमियों को नौकरी दी। अगर हम कहते हैं 4 लाख आदमी को आप दिखा दें कि किसको नौकरी दी है, जिसको नौकरी दी है 4,000 दिखा दें कि मतलब हम 400 की बात नहीं कर रहे हैं। आप देखिए कि जो लोग नौकरी में थे उनकी भी नौकरी छीन दी, समीदा पे रख लिया, उसके बाद में 2 महीने 3 महीने करने के बाद में निकाल। लखनऊ की जनता आपके बार क्या तय कर रही है? जनता ये तय कर रही है जो अच्छा काम करेगा वो सरकार पार्टी हमको चाहिए। फिलहाल योगी जी ने काम कैसा किया, क्या किया नहीं? योगी जी ने तो पूरा देश बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया, लॉकडाउन लगा दिया, जबकि लॉकडाउन पकडाउन कुछ नहीं था लेकिन लगा दिया। आप देखिए जिनके जिनके पास राशन कार्ड है उनको तो आप दे रहे हैं, अभी आप कहते हैं खुलेआम कि मैं उनको आज के उनके ज़माने में उनको राशन नहीं मिला, उनको नहीं मिला, आज हम तमाम हिंदुओं को राशन दे रहे हैं। हिंदू और मुसलमान कोई बाहर से तो आए नहीं, जो यहीं के हैं, जो यहाँ के पैदावार हैं, जो हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हिंदुस्तान को जानते हैं, पाकिस्तान हमारा कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, युवा है, थोड़ा आगे आ जाइए। आपको आपको ही बोल रहा हूँ, मुझे क्या 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 सोच रहे हैं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का पूरा माहौल देख रहे हैं, 2 महीने चुनाव का है, क्या सोचा है? सेमीफाइनल है, केंद्र का सेमीफाइनल माना जाता है, उत्तर प्रदेश क्या सोच रहे हैं? उत्तर प्रदेश अच्छी सरकार आए यही मेरा हो, ये इसमें मज़ा नहीं आया, मुझे इसमें मज़ा नहीं आया, अखिलेश अखिलेश इसमें तो बहुत ही मज़ा आया, जो आदमी घर के अंदर था वो रोड के ऊपर आ गया, समझ रहे हैं आप, भीख मांगने लायक है, घर में बीवी बच्चों में बवाल, घर वालों में बवाल कि क्या कमा के लाओ, कहाँ से कमा के लाएं, जब काम ही नहीं है तो क्या करेंगे। जिनको 10,000 मिलते थे आज उनको 5,000 मिलना मुश्किल है नौकरी में, समझ रहे हैं, बिल्कुल बदलाव चाहिए। हाँ ये बताइए कि जिस तरीके से आप मोदी जी ने पिछली बार प्रचार किया था और इतनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, भाई अखिलेश यादव नारा दिया काम बोलता है, काम बोलता है, सरकार बनी थी बेईमानी से, सरकार बनी थी सिर्फ पूर्ण बहुमत तो आई ना कौन, हाँ आई बेईमानी से आई, कहीं दूर ना जाइए बिहार का देख लीजिए कि कितनी सीटें गई थी, उसके बाद में राती रात सरकार बदल गई। तो उसको उसके बाद एक बार फिर से मोदी जी जो है तमाम वादों के साथ तमाम जगहों पर जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के, तो क्या वो इफेक्ट कर पाएंगे? ये बताइए, उन्होंने वादा किया था किसानों का के आय दूना, जो यूरिया खाद 350 की मिलती थी वो आज 1100-1200 की हो गई, डाया जो पड़ती थी वो मिल नहीं रही है, पोटास जो पड़ती थी वो मिल नहीं रही है, जिंक जो पड़ती थी मिल नहीं रही है, कितने किसान इसमें मारे गए, कितनी आत्महत्या कर ली, ये है मोदी सरकार। फिर युवाओं को इन्होंने कहा
कि सबको 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। अभी जनता के द्वारा ही आपको पता चला कि 200 या 400 नौकरी योगी जी नहीं दे पाए। आंकड़ा पूरे प्रदेश का है, वो देश का लगा लीजिए। रोजगार छीना गया, नौकरियां छीनी गई। तो इस बार बताइए, सुन लीजिए बाप, जैसे बैंकों को समायोजित एक जगह कर दिया, 4 बैंकों को एक जगह आप कर देंगे तो कर्मचारी एक ही बैंक का रहेगा, 3 बैंकों का कर्मचारी घर बैठ गया। उसी तरह नगर निगम में अगर कर्मचारी संविदा पे था, कारदाई पे था, या जो रिटायर हो गया उनकी जगह कोई भर्ती नहीं, उन्हें निकाल ही दिया गया। अच्छा ये बताइए कि जिस तरीके से ये तमाम बातें कह रहे हैं आप, कितनी सीटें जो है आपकी बार समाजवादी पार्टी ले पाएगी और कितनी बीजेपी के पास आएगी और कितना अन्य के पास आएगा? माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा की है 400 के पार। 400 इसके बाद 3 सीट बचती है, तो 3 ही पाएंगे, वो 3 ही पाएंगे, योगी, अमित शाह और एक मोदी। जनता 3 सीटें देगी। अमित शाह कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? लड़े कहीं से भी, उनकी चाह में 3 सीटें बचेंगी बस। जहाँ से चाहे वहाँ से लड़ लें। भैया ये लखनऊ की जनता है, तमाम नवाबी बातें हैं और तमाम तरह की चीज़ें हैं, लेकिन फिलहाल क्या माहौल है उत्तर प्रदेश का वो लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और लखनऊ में 2-3 दिन, अगले 2-3 दिन है यहाँ पर, और लगातार दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से और किन मुद्दों पर यहाँ की जनता वोट करने वाली है आने वाले चुनाव में। फिलहाल के लिए नमस्ते।